और मैं आप सबके लिए प्रे करूंगी जो जो ये वीडियो देख रहे हैं कि बप्पा इनकी सारी विशेस पूरी कर दो। ये जो देख रहे हैं ना ये वीडियो, इनकी जो भी विश है, जो इनकी इच्छा है, वो सारी वो पूरी कर दो। जो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू लाइफ ऑफ टीना। तो अभी गणपति पापा आ गए हैं, आपने देखा। जैसे अभी पंडित जी आएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी बहुत पूजा की जो प्रिपरेशन वो रेडी करके रखे हैं यहाँ पर, और हमने रख दिया यहाँ पर प्रसाद, और साथ में बनाया मैंने पंचामृत जो कि बहुत ज़रूरी होता है पूजा में रखने के लिए। और ये मैंने बनाया है सूजी का हलवा, ये देखिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो प्रसाद है वो बहुत ही अच्छा बना है, आई होप सो। और अभी बस वेट है पंडित जी का, वो आएंगे और फिर बाद में प्रॉपर पूजा करेंगे गणपति बापा की। और ये जो दिख रहा है आपको शस्त्र, ये शस्त्र जो है, एक मिनट बताती हूँ, ये मूर्ति के साथ था नहीं तो ये मैंने अपने हाथों से बना लिया है घर पे, बहुत इजीली बन जाता है। और यहाँ पर स्टिकर है तो ये मैं इजीली ऐसे चिपका सकती हूँ। और ये भी हाथ खाली था भगवान जी का, ये पापा का ये हाथ खाली था, तो यहाँ पर मैंने ये हिबिस्कस का एक तार लाया है आर्टिफिशियल, ये तो वो ऐसे ऐसे रख दिया। और बच्चे अभी नहाने चले गए हैं और बस हम वेट कर रहे हैं पंडित जी जल्दी जल्दी आ जाए और पूजा कर ले, ताकि हम सभी लोग गणपति पापा जी के दर्शन कर लें और उनका स्वागत है हमारे घर में। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके घर पे भी गणपति पापा नहीं है तो आप प्लीज़ लेकर आइए, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है और एक अलग ही वाइब होती है आपके घर की। बहुत काम है जो मुझे क्लियर करने, मतलब मुझे लंच बनाना है और घर तो एज़ यूजल नहीं, सॉरी, घर तो मैसी हो गया है थोड़ा सा, बस मुझे थोड़ा ठीक ठाक कराइए। तो इवनिंग में आइए थोड़े बहुत दर्शन के लिए, इनके फ्रेंड्स और बच्चों के फ्रेंड्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे आएंगे लोग, तब मुझे थोड़ा बहुत ये अरेंज करके रखना होगा। और हाथ जोड़कर जो है अब गणेश जी का आह्वान समर्पया मूर्ति को स्पर्श करें। ओम मनो ज्योति जिंदाबाद संपरिपातु विश्वतः सुपरतो वरदो भवः, सुपरतो वरदो भवः। सपंचदासो देशे भवत् सरितः पंचामृतम स्नानम समर्पयामि पुनः सुदूत कमजलम, फिर से शुद्ध जल स्नान करो, एक चम्मच छोड़ सुदोदकम जलम स्नानम समर्पयामि। काल कृपण वैक्रम में जले आच मन में से जल दिखाकर जी छो नवे धाम के जले आच मन समर्पयामि, नवे धाम के जले आच मन में समर्पयामि। थोड़ा सा जल बोलि ओ रक्षा प्रार्थना करेंगे। मुदाकराध मोदकम सदा विमुक्त साधकम कलाधरा वसंतकम विलासिलोक रंजकम नायकम समर्पयामि। ओम अन्याः श्री पूज्याः श्री गणपति देवताः प्रीताम नमः। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ओम जय कुशदेवा देवा ब्रह्मा वहिताय नमः। श्री मध्यांतरार्तिकम समर्पयामि, आरती ले। वेलकम बैक। तो अभी मैं हो गई बहुत ज़्यादा टायर्ड, इसलिए मैंने अपनी साड़ी भी चेंज कर दी, क्योंकि साड़ी में मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं होता। और मैंने ये सूट
बहुत ही सिंपल सा पीच कलम है और ये सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, और मन ही नहीं कर रहा है कि पप्पा हमारे घर से जाए। और शायद हमको, शायद क्या, हमको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा जब ये पूरी जगह खाली हो जाएगी और पप्पा चले जाएंगे। आपको जो जो विश मांगनी है पप्पा से, गणपति पप्पा से आप मांगिए, और मैं आप सबके लिए प्रे करूंगी जो जो ये वीडियो देख रहे हैं कि पप्पा इनकी सारी विशेज पूरी कर दो। ये जो देख रहे हैं ना ये वीडियो, इनकी जो भी विश है, जो इनकी इच्छा है, वो सारी वो पूरी कर दो, जो इनके मन में है इनको वो दे दो। तो देखिए, मैंने आपके लिए स्पेशली प्रे किया है और आई एम श्योर कि हमारे गणपति पापा यानी हम सबके गणपति पापा आपकी सारी विशेस पूरी करेंगे, सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और भगवान पापा सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, बस मेरी यही विश है। हम लोग शाम की आरती करेंगे, आप भी आइएगा आरती में, आप ज्वाइन हो जाइएगा आरती में, और गणपति पापा जी की हम आरती करेंगे और उसके बाद फिर से शाम का भोग लगाएंगे पापा के लिए। और क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मतलब इतना सुंदर लग रहा है, इससे ज़्यादा सुंदर मेरा घर कभी भी नहीं दिखा, कभी भी नहीं। देखिए सत्य है, घंटी भी बजी है, तो इससे ज़्यादा सुंदर कभी नहीं दिखा है गाइस मेरा घर, मतलब दिवाली हो कुछ भी हो, बट दिस इज ब्यूटिफुल। बहुत प्यास लग रही है, बहुत थक गई हूँ मैं, और हमने जो स्नैक्स निकाले थे, गेस्ट आए थे अभी तो एक्स्ट्रा बच गए, तो मैंने सोचा चलो हम भी खा लेते क्योंकि स्नैक टाइम तो हो चुका है, इवनिंग में भूख लग जाती है, उसके बाद में वो खाना वाना भी बनाना है। दो बार मैंने प्रसाद बनाया था और आज का प्रसाद बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना, मतलब कभी भी इतना अच्छा जो हलवा प्रसाद है कभी नहीं बना मेरे से, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा और एकदम क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं कर रही, मैं ब्लॉग कर रही हूँ। माय हस्बैंड इज सेइंग तुम कुछ कर रही हो, मैंने कुछ, क्योंकि यूजुअली न्यू ब्लॉगर्स होते हैं ना तो उनको समझ भी नहीं आता ये लोग किससे बातें कर रहे हैं। तो आज का जो हलवा प्रसाद बना था वो बहुत अच्छा बना, मैंने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाया था, यूट्यूब पे देखा।